पूर्णिया निगरानी विभाग की टीम ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी अरविंद कुमार भारती को 1,30,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी उनके कार्यालय से की गई है। निगरानी विभाग की टीम को नितेश कुमार नामक व्यक्ति ने आवेदन दिया था। उसके बाद आवेदन के आधार पर तहकीकात किए जाने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने आज जिला भू अर्जन पदाधिकारी अरविंद कुमार भारती को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए जाने के बाद निगरानी विभाग की टीम उन्हें कहां लेकर गई है, इस बात का पता नहीं चल पाया है। वहीं इस बाबत निगरानी विभाग के डीएसपी ने बताया कि नितेश कुमार नामक व्यक्ति ने आवेदन दिया था। उसके बाद आवेदन के आधार पर तहकीकात किए जाने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने आज जिला भू अर्जन पदाधिकारी अरविंद कुमार भारती को 1,30,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायत किया था कि उनका जमीन एक तरफा राष्ट्रीय राजमार्ग में गया था, जिसका कीमत 31,59,000 रुपया हुआ था। भू अर्जन पदाधिकारी के द्वारा उसका भुगतान करना था। उसी भुगतान करने के एवज में भू अर्जन पदाधिकारी अरविंद कुमार भारती के द्वारा नितेश कुमार से 1,30,000 रुपया रिश्वत के रूप में मांग की गई थी। उसका सत्यापन किया गया था, सही पाते हुए आज उनको कार्यालय कक्ष से ही 1,30,000 रुपया रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया। भू अर्जन पदाधिकारी अरविंद कुमार भारती, सुरेंद्र कुमार मऊवार, पुलिस उपाधीक्षक निगरानी कुमार, डीएसपी अरुणोदय पांडे, विकास कुमार इंस्पेक्टर में हैं, ये मिथिलेश जायसवाल, सत्येंद्र राम, जोगेंद्र कुमार, रमेश कुमार, आशीष कुमार, धर्मवीर कुमार,